हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा लूथरा और आज मैं आपको बताऊंगी थायराइड के लिए कुछ घरेलू उपाय और नुस्खे। पहला उपाय है गेहूं की घास का जूस। रोज सुबह खाली पेट आधा कप गेहूं की घास का जूस पीने से थायराइड ग्रंथि सही प्रकार से काम करती है और इसका रेगुलर सेवन करने से हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दोनों में ही बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट रेमेडी इज मुलेठी। 5 ग्राम मुलेठी शहद में मिलाकर रोज खाने से थायराइड के कारण होने वाली थकान दूर होती है और थायराइड ग्रंथि का बढ़ना भी रुक जाता है। अदरक भी थायराइड के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम से थायराइड ग्रंथि सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देती है। थायराइड के मरीज हरे धनिये का ताज़ा चटनी बनाकर उसका 1 चम्मच 1 ग्लास पानी में घोलकर दिन में 2 बार अगर पिए तो बहुत फ़ायदा होगा। रोज़ सुबह लौकी का जूस पीने से भी थायराइड लेवल बहुत जल्दी सामान्य आ जाता है। रात को सोते समय गाय के गर्म दूध के साथ 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर का सेवन करने से भी थायराइड में बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा उज्जयी प्राणायाम 10 मिनट तक रोज करें। नींबू की पत्तियों की चाय बनाकर रोज पीने से भी थायराइड ग्रंथि सही तरीके से काम करने लगती है। आयोडीन युक्त नमक का सेवन करें। दूध और दही अपनी डेली डाइट में जरूर लीजिए। खाने में ज्यादा अधिक मिर्च मसाले यूज ना कीजिए। चाय, कॉफी और वाइट कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा और मैदे से बनी चीजें अवॉइड कीजिए। साबुत अनाज खाइए, ज़्यादा फलों और सब्जियों का प्रयोग कीजिए और किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या एंजाइटी से बचें। तो ये थे थायराइड के लिए कुछ घरेलू टिप्स और उपाय। आप भी इन्हें यूज़ कीजिए और इनका फ़ायदा उठाइए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आपके पास फिर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी and take good care of yourself. Thank you for watching my video. Bye.